केंद्र राज्य संबंध के भारत के मुद्दे में संघवाद। केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंध से होता है। विश्व भर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली है। परिचय संपादित करें। भारत में स्वतंत्रता उपरांत केंद्र राज्य संबंध का मसला अत्यधिक संवेदनशील मामला रहा है। वन विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो, ये सब केंद्र राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। इनके अलावा देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी उसके केंद्र में है। केंद्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया है। एक विधायी शक्ति के विषयों को तीन सूचियों में बांटा गया है। वन केंद्रीय सूची 99 विषय समाविष्ट। केंद्रीय सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए हैं जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, संचार और वित्तीय मामले आदि। टू राज्य सूची 61 विषय समाविष्ट। राज्य सूची में कानून और व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, प्रशासन जैसे स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। थ्री संवर्ती सूची 47 विषय समाविष्ट। संवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों व नीति के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 256 व 255 में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। विधायिका स्तर पर केंद्र राज्य संबंध संपादित करें। संविधान की सातवीं अनुसूची विधायिका के विषय केंद्र राज्य के मध्य विभाजित करती है। संघ सूची में महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय है राज्यों पर केंद्र का विधान संबंधी नियंत्रण। वन अनु 31(1) के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बनाकर गृहित कर ले, परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक रद्द नहीं की जाएगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लंघन करे, परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा। किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उससे स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा। टू अनु 31(b) के द्वारा नौवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है तथा उन सभी अधिनियमों को जो राज्य विधायिका द्वारा पारित हो तथा अनुसूची के अधीन रखे गए हो को भी न्यायिक पुनरीक्षा से छूट मिल जाती है, लेकिन यह कार्य संसद की स्वीकृति से होता है। थ्री अनु 200 राज्य का राज्यपाल धन बिल सहित बिल जिसे राज्य विधायिका ने पास किया हो को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। फोर अनु 288(2) राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केंद्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह, विद्युत उत्पादन तथा विद्युत उपभोग, वितरण उपभोग से संबंधित हो। ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पाएगा। फाइव अनु 305(b) के अनुसार राज्य विधायिका को शक्ति देता है कि वो अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य पर युक्ति निर्धन लगाए, परंतु राज्य विधायिका में लाया गया बिल केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही लाया जा सकता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध संपादित करें। अनु 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस तरह प्रयोग लाई जाए कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके, इस तरह संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके, इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गई है। केंद्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो। अनु 257 कुछ मामलों में राज्य पर केंद्र नियंत्रण की बात करता है। राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग ली जाए कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष न करे। केंद्र अनेक क्षेत्रों में राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करे इस पर निर्देश दे सकता है। यदि राज्य निर्देश पालन में असफल रहा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लाया जा सकता है। अनु 258(2) के अनुसार संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिनसे संघीय विधि पालित हो। केंद्र को अधिकार है कि वह राज्य में बिना उसकी मर्जी के सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं भी केंद्र को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता देती हैं। अनु 262 संसद को अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्य जल विवाद को सुझाने हेतु विधि का निर्माण करे। संसद ने अंतर्राज्य जल विवाद तथा बोर्ड एक्ट पारित किए थे। अनु 263 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह अंतर्राज्य परिषद स्थापित करे ताकि राज्यों के मध्य उत्पन्न मत सुलझा सके। केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय है कि किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंध। दुनिया भर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली। भारत में आजादी के बाद से केंद्र राज्य संबंध का मसला अत्यधिक संवेदनशील मामला रहा है। मुद्दा चाहे अलग भाषाई पहचान, आसमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो, ये सब केंद्र राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। यही नहीं, देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण का सवाल हो, उसमें जो बात फोकस में रहती है वह है केंद्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया है।
विधायी शक्ति के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। इसमें पहली सूची है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए हैं जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, संचार और वित्तीय मामले आदि। राज्य सूची में कानून और व्यवस्था, जन स्वास्थ्य प्रशासन जैसे स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों व नीति के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 256 व 355 में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है। 1. भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण संपादित करें। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। 1. संविधान की सर्वोच्चता। 2. संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। 3. लिखित और कठोर संविधान। 4. स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के ये सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण संपादित करें। भारत एक अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया, लेकिन संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई, तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। 1. शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। 2. एक हरी नागरिकता। 3. संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। 4. एकीकृत न्याय व्यवस्था। 5. संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। 6. भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक। 7. सामान्य काल में भी संघीय सरकार की असाधारण शक्तियां। 8. मूलभूत विषयों में एकरूपता। 9. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 10. राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। 11. आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। 12. संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होना। 13. अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदें। 14. भारतीय संघ में संघीय क्षेत्र। एडिट बाय जितेंद्र। थैंक्स टू वॉचिंग सब्सक्राइबर चैनल।